और इस्लाम की जगह बहुत मजबूत तो मिशनरी एक्टिविटीज को इन लोगों ने नहीं आने दिया और इसको लिंक किया तालीम सरकारी तालीम के साथ और वो हर किसी के जवाब में ये याद होगा तुम लोगों को सबक तमत रसी वही दफा रसी वही जन्नत की वजह से ही दोजख के बाद रुपये हुए वो लोग जो सरकारी स्कूलों में सरकारी मदारस में अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए ये कर रहे हैं और उनके लिए जन्नत में कोई मकाम नहीं वो जो है दोजख में उनको पौधे दिए जाएंगे इस किस्म की कंसेप्शन इस किस्म का कंसेप्ट चल रहा था तो एजुकेशन चीफ कमिश्नर का उसकी बीवी के नाम पे ये 1931 में बना पहला गर्ल्स स्कूल अंग्रेजी का और उर्दू का मिक्स ये 1931 में बना वहाँ जो एलिट फैमिली स्टार थी उनकी बच्चियाँ लाहौर आती थी स्कूलिंग के लिए आर्या कन्या स्कूल के नाम से जो मासाइट्स थे डेयर इस्माइल खान ने हजारा में मानसरा में उन्होंने आर्या कन्या स्कूल के नाम से कुछ उनके स्कूल थे लेकिन उनकी आमतौर पर मुसलमान अपनी बच्चियाँ इन स्कूलों में नहीं देते तो जहाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं अलाउड बार बार ये रिपोर्टों में कहा गया था कि इस सूबे की मिसाल एक गन पाउडर में ग्रीन है और यहाँ पे अगर आप किसी को गियर सलाई जला कर टीवी जला कर सिगरेट सुलगाने का हक देंगे तो ये पूरा करना का बाबू से बड़ा हुआ है कि भग करके हो जाएगा जिसको इस्लामा कॉलेज का पानी कहा जाता है सर सरदारा अब्दुल कयूम और जिसको वहाँ सर सैयद सानी के नाम से पहचाना जाता है ये ऑब्जेक्टिव उसने कहा कि ये रिफॉर्म अगर इतनी बड़ी बुरी चीज़ है तो वहाँ जो है उनको घुसे के लिए नजर मार सकेंगे और मेरा सूबा जो है गन पाउडर मैगजीन अगर है तो जहाँ फिर वो और उसकी बीवी तो फिर क्यों वहाँ आए गन पाउडर मैगजीन से तो लोग दूर जाते हैं और उसने डिबेट्स का हिस्सा है वहाँ इस तरह की हालात में इस तरह के हालात में तालीम की बात करना मुआशरा सुधारने की बात करना लेकिन कुछ न कुछ हर लोग में अल्लाह ताला इस तरह मुस्लिम पैदा कर लेता है रिफॉर्मर्स पैदा कर लेता है जो उस कौम को तब्दील करने का बेड़ा उठा लेता है खिलाफत थी या हिजरत थी सूबे के लोगों ने कुर्बानियाँ तो बड़ी थी लेकिन उस बेनतीजे रहे खिलाफत के नतीजे में मैं फिर इसकी तफसीलात की तरफ नहीं जाता किसी और पे हो जाएगा हिजरत मूवमेंट हिंदुस्तान के जैद उलमा जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो बाद में कांग्रेस हुसैन का मौलाना मशहूर हुआ और करंकी महान का मौलाना अब्दुल बारी इन लोगों ने फतवे दिए हिंदुस्तान की सरजमीन जो है अब दारुल हराम है और तुम लोग दारुल इस्लाम या दारुल सलाम अफगानिस्तान चले लोगों ने कुर्बानियाँ दी वहाँ से हजार लोग डॉक्टर नईम कुरैशी हमारे सीनियर पुलिस फॉर्मर चेयरमैन हिस्ट्री डिपार्टमेंट उनका पी एच डी थीसिस खिलाफत मूवमेंट में है उनकी रिसर्च बहुत अथेंटिक रिसर्च है जिसको उन्होंने जमाना बताया उनके बकौल वहाँ से हजार लोग यहाँ से हिजरत करके अफगानिस्तान नाकाम हुई अफगानिस्तान की इकॉनमी बीक और जिन मौलानाओं हजरात ने ये फतवे दिए थे अल्लाह ताला ने किसी को ये तौफीक नहीं दी कि वो अपने महल से बाहर निकल कर गरीब लोगों के साथ खूब अफगानिस्तान तो जब ये तजुर्बे नाकाम हुए